इनके लब रंगी की मिठावर थी के जिसने। ये जो उलमा से सुना है ना कि जैसे किसी ने चादर अपने कंधे के ऊपर डाली और इसी तरीके से और नमाज में वो लटकती है, तो ये नमाज जो है ना मकरूह तहरीमी है, या कोई कपड़ा इस तरह कंधे पे डाला के वो लटकता है आगे पीछे रुको सुजूद में जाते हुए, तो वो जो नमाज मकरूह तहरीमी है वो दिखने में तो ये सूरत बिल्कुल सिमिलर है, यानी इसी तरह महसूस होता है जिस तरह आपने सवाल में लिखा है कि किसी ने चादर का एक पल्ला डाला और उसको एक बल को पीछे गर्दन पर लपेट लिया, जैसे मफलर वगैरह के एक बल लपेट लेते हैं तो एक हिस्सा पीछे होता है एक हिस्सा आगे होता है, तो वो हिस्सा जो पीछे है और ये जो आगे है फिर ये नमाज़ पढ़ते हुए लटकता है, तो ये मकरूह तहरीमी नहीं है, यानी ये वो कपड़े लटकाने के हुक्म में नहीं है जबकि बल डाल लिया गया हो, कि जो उमूमन जिसको नमाज मकरूह तहरीमी कहते हैं, यानी ये वो सदल की कैफियत कपड़े में नहीं है। इसी को आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रज़विया शरीफ में भी बयान किया कि सदल उस चीज़ को कहते हैं कि किसी कपड़े को, पहने जाने वाले कपड़े को बेपहने जिस्म पे लटका लेना कि नमाज में लटका रहे, तो इस सूरत में वो नमाज मकरूह तहरीमी होती है। और ये जो सूरत है कि चादर का या मफरल वगैरह का एक हिस्सा पीछे एक हिस्सा आगे करना गले में लपेट के या एक बल लपेट के इस तरह कंधे पे डाल लिया, पाए पल्ले को दाएं पे या फिर दाएं को बाएं पे डाल लिया, इसी हाल में नमाज पढ़ ली, तो इसमें नमाज में कोई कराहत मकरूह तहरीमी वाली वो नहीं आएगी, इससे नमाज कोई मकरूह तहरीमी नहीं होगी ना ही वाजिबुल अदा होगी, तो इस सूरत में नमाज पढ़ी जा सकती, इसमें हर्ज नहीं है। वो सूरत अलग है जो सदल की सूरत है, वो अलग है कि जिसमें नमाज मकरूह तहरीमी और वाजिबुल अदा होती है, आप उसको इमाम साहब से एक मरतबा समझ लें, वरना शायद मैंने किसी वीडियो में उसको रिकॉर्ड करा भी दिया कि कब सदल होता है, हवाले के अतबार से फतावा रज़विया शरीफ के अंदर इसकी तफसील में इसमें हवाला वीडियो एडिटिंग में जो है ना डल जाएगा, तो आप उसमें भी चेक कर सकते हैं। पत्थर में हसन लाले पुरनवा।